हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं लेकर आई हूँ स्नैक्स वाला रेसिपी, जो कि है कारा बूंदी, सेब और फिर मिक्सर बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ पर मुझे बेसन छान कर लेना था, तो मुझे याद आ गया मुझे छानना है। तो मैंने फिर दूसरे बाउल में छलनी रख कर उसमें मैंने बेसन डालकर छान लिया है। हमेशा आप भी बेसन या कुछ भी हो छान कर ही लीजिएगा, जब इस तरह से जब आप पेस्ट बनाते हैं तो इजी होता है। तो इस तरह से लेने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल दिया है। तो पानी हमें बहुत ही कम, बहुत होशियारी से डालना है, क्योंकि वरना पतला हो सकता है। क्योंकि अगर थिक हो गया, मोटा गाढ़ा हो गया तो हम थोड़ा सा पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं, मगर फिर थिक हो गया तो आपको फिर पाउडर डालना पड़ेगा ये वो। तो इस तरह से हमने बैटर बनाकर मैंने साइड में रख दिया है, पानी ज़रूरत पड़ता हम और डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने 1 और कप बेसन लिया है। ये जो डो बनाने वाली हूँ मैं, ये सेब के लिए है। तो इसको भी मैंने छान लिया है। मैंने यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और मैंने यहाँ पर हींग डालकर मिक्स कर लिया। करने के बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, मैंने हाफ हाफ कप पानी लिया था, उसमें से 3 टेबल स्पून पानी बच गया था मेरा। तो उतना पानी मुझे लगा था इसको बनाने में, इस डो को बनाने में। तो आधा कप से भी कम पानी आप बोल सकते हैं। तो इसको करने के बाद में मैं अभी इसको ढककर रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसका बनाएंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी छिटक दिया था ताकि ये जो है ड्राई ना हो ऊपर से। तो हमारा यहाँ पर जो बूंदी का जो बैटर है वो रेडी है। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे, इसका जो कंसिस्टेंसी है उसे ठीक कर लिया। मैंने एक और बर्तन में, मैंने 1 और कप का मैंने सेम तरीके से बैटर बना लिया था, क्योंकि बूंदी मुझे ज़्यादा चाहिए था। मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख लिया है। और इस तरह का झारा हर घर में मिल जाता है, कहीं भी आपको खरीदने को भी आसानी से मिल जाएगा, और ये यूज़ करने के लिए भी बहुत आसान होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पूरी छानने वाला आता है ना झारा, उससे भी आप बना सकते हैं बूंदी। तो उसके बाद में हमने झारा के ऊपर बैटर डालने के बाद में उसमें से बूंदी गिरता है। जब बूंदी गिरता है ना तो बहुत सारे बबल्स आते हैं तेल में। तो जैसे ही वो बबल्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपका बूंदी जो है रेडी है। तो मैंने यहाँ पर बूंदी हमारे निकाल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा बूंदी। तो यहाँ पर इस तरह से एवरी टाइम जब आप बूंदी बनाएंगे ना, झारा का पीछे साइड आपको क्लीन करना है, वरना आपका बूंदी ठीक से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से फिर मैंने दूसरी बैच बना लिया है। तो मैं आपको 2 ही बार दिखा रही हूँ, लेकिन बनाया मैंने बहुत सारा है, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा था, 45 मिनट का मेरा वीडियो हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे बूंदी रेडी है। तो इसको अब मैं साइड में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर हमारा जो सेब का जो डो है उसे मैं देख रही हूँ। तो ये सेट हो चुका है, उतना चिपक नहीं रहा था मेरा हाथ में। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरह का मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिया है। 2 तरह का है मेरे पास, एक तो ऐसा टर्न करने वाला, घुमाने वाला है, एक तो प्रेस करने वाला है, दबाने वाला, हाथ से दबाकर निकालने वाला। तो मैंने यहाँ पर दबाने वाला, जो प्रेस करके बनाते हैं ना, वो वाला लिया है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, बहुत हार्ड लग रहा था मुझे प्रेस करने के लिए, मुझे वो दूसरा वाला लेना चाहिए था। अगर आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ये वाला मत लीजिए, हार्ड वाला, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, आप नहीं कर पाएंगे। मुझे भी बहुत टफ हो रहा था इसको घुमाने के लिए, लेकिन अगर वो दूसरा वाला होता ना घुमाने वाला, वो बहुत इजी से हो जाता है। तो ये मैंने लिया है, तो ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, जो भी हो मैंने तो ले लिया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेब, तो आप देख सकते हैं मैं इधर घुमा रही हूँ, बहुत टफ हो रहा था मुझे घुमाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो सेब है रेडी है, और उसका और इसको मैं निकाल लूँगी एक दूसरा साइड करने के बाद में। उसके बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, क्योंकि तेल हमारा गर्म है और टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही पतला है, ये पतले वाले सेब है ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निकाल लिया है हमारा सेब को, फिर मैंने दूसरा डाला था वो भी मैंने निकाल लिया। इतना सेब बना है हमारा 1 कप में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर छलनी रख दिया है गर्म तेल में, और मैंने यहाँ पर पोहा डालकर इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली तेल में फ्राई करेंगे ना, पोहा को डालेंगे ना, आप निकाल नहीं पाएंगे उसको, हार्डली कुछ ही निकलेंगे, कुछ रह जाएंगे तेल में और आपके पोहा जल जाएंगे। इस तरह से करने से क्या होता है,
एक साथ आप सभी पोहा को निकाल सकते हैं, तो कलर आपके चेंज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। सेम तरीके से मैंने पीनट्स को भी कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर जो कैशू नट्स है, मेरे पास ब्रोकन वाला था क्योंकि मैं ये करी के लिए यूज़ करती हूँ, दूसरे वाले मेरे पास नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया वो वाला। अगर आपके पास में दूसरे वाले है ना होल कैशू नट्स, अगर वो है तो आप वो यूज़ कीजिए। फिर मैंने यहाँ पर मैंने बादाम लिया है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद करी पत्ता मैंने धोकर सुखा कर रख लिया था करी पत्ता को, तो करी पत्ता को भी मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते कितना सारे पोहा मैंने फ्राई किया है और बूंदी और करी पत्ता और यहाँ पर हमारा पीनट्स और बादाम और कैशू नट्स। तो अब मैं बनाने वाली हूँ इसका ये। और अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मिक्सिंग, मुझे एक और बड़ा सा बर्तन लेना चाहिए था लेकिन मैंने मेरा बर्तन थोड़ा छोटा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसे अच्छा से मिक्स कर लिया है, एक पाउडर के जैसा बना लिया है हाथ से मिक्स करके। उसके बाद में हमने यहाँ पर बूंदी डाल लिया है, तो बूंदी डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर फिर अभी डाल दिया है पीनट्स। पीनट्स डालने के बाद में मैं यहाँ पर पीनट्स आप अपने हिसाब से ही डालिए, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कैशू नट्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा यहाँ पर बूंदी रेडी है। तो बूंदी तो चलो मेरा मिक्स हो गया, लेकिन जो मिक्सर है ना उसको मिक्स करना मुझे काफ़ी टफ लग रहा था क्योंकि बर्तन कम छोटे पड़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने फिर सेम तरीके से मैंने करी पत्ता जो बचे हुए थे ले लिया, मिर्ची का पाउडर, नमक डालकर इसे अच्छे से एक पाउडर बना लिया है मिक्स करके। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पोहे डाल दिए। पोहे मेरे काफ़ी सारे थे और इसमें मुझे बूंदी भी डालना था, हर चीज़ डालना था, कैशू नट्स भी डालना था, पीनट्स भी डालना था, बादाम भी डालना था, बादाम मतलब। तो ये सब डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर सेब को तोड़कर इस तरह से डाल दिया है। तो डालने के बाद में और मेरे और भी मेरे पास पड़े हुए हैं वहाँ पर जो हमारे पोहा है और भी रखे हुए हैं, और मुझे यहाँ पर बूंदी भी डालना था लेकिन जगह नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह से कर लिया है जैसे भी। उसके बाद आप देख सकते बूंदी उसमें है, तो मैंने आधा इसमें शिफ्ट कर लिया। बड़े बर्तन मेरे ऊपर रखे हुए थे सारे, निकालने वाले कोई नहीं थे घर पे और मैं निकाल नहीं पाऊंगी, मुझे लैडर में चढ़कर निकालना पड़ेगा, मैं गिर उड़ जाऊँगी, अकेले हूँ घर पर, टूट फूट जाएगा हाथ पाँव। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसी तरह से मैंने कर लिया। तो करने के बाद में कैसे भी मैंने मैनेज तो कर लिया। तो यहाँ पर मैंने आधा इसमें आधा उसमें फिर इसको इधर डालकर कर लिया है। मैंने थोड़ा सा पोहा जो है ऐसे ही रख दिया बिना मसाले के, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, सादा फ्राई किया हुआ सादा पोहा खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने एक दिन में ख़त्म भी कर लिया था जो भी था खा खा के, एक बार खाने बैठ जाती हूँ ना तो कंटिन्यू खाते ही रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो मिक्सर है वो भी रेडी हो गया है, बहुत सारा आप देख सकते हैं, बूंदी भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे बना लिए हैं मैंने। अब ये सबको मुझे एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखना है, आराम से आप 2 से 3 महीने आपको आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये रहा मेरा वाइट वाला पोहा। थैंक यू सो मच।